नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। आज हम लोग जैसे पिछले पर्व में हम लोग चर्चा किए थे एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी के बारे में, आज हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी काम कैसे करता है। एलर्जिक बीमारियों के लिए हम लोग सब एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी का नाम सुने हुए हैं, लेकिन कैसे काम करता है ये कन्फ्यूजन है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन ऑल ये सब दबाने के लिए। और पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर किए हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे दर्शक हमारे फ़ोन करके पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं? तो मुझे लगता है आप लोग सारा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, कृपया करके स्किप करके ना देखें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में मैं अंत में अपना गंतव्य बताता हूँ कि मैं कहाँ अवस्थित हूँ। ऐसे एक बार और बता दूँ, मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार एवं इंटरली सिनेमा हॉल के बीच में मैं अवस्थित हूँ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी कैसे वर्क करता है। एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी जनरली दिया जाता है एलर्जिक डिजीज़ के पेशेंट्स को, जिनको किन्हीं को बदन में नोचनी, दाफर दाफर होना, सूजन हो जाना, आँख मुंह फूल जाना, छींकें बहुत सारी आना, नाक से पानी आना, खांसी होना, सर्दी होना, बराबर बलगम जम जाना, छाती में स्लेसा बलगम नज़ला ये सारा पैदा होना, तैयार होना, सांस में तकलीफ, दम्मे का कष्ट होना, दम का कष्ट होना, ये सारे एलर्जिक बीमारी के वजह से होता है। और इम्यूनोथेरेपी इज़ द ओनली इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर एलर्जिक डिसऑर्डर्स। तो इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन तभी बन पाता है, ये रेडीमेड नहीं मिलता है। बाजार में जाके आप जैसे टिटनस, हेपेटाइटिस या इन्फ्लुएंजा निमोनिया वैक्सीन जाके ओवर द काउंटर केमिस्ट यहाँ से ला के एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वैसे इम्यूनोथेरेपी नहीं होता है, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन कैन बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन प्रिक रिएक्टिविटी। स्किन प्रिक के ऊपर रिएक्टिविटी करके देखना कि कौन कौन सा एलर्जन कितने परिमाण में आपके शरीर में हाइपर रिएक्टिव है, हाइपर सेंसिटिव है, ये जब भी हम लोग पहचान कर लेंगे तो उसके बेसिस में ही इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन प्रिस्क्राइब होगा और बनेगा। और ये कम्प्लीटली टेलर मेड वैक्सीन है, हर आदमी के लिए अलग अलग बनता है। राम के लिए बनेगा तो राम ही उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, श्याम के लिए बनेगा तो श्याम ही उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि ये उनका स्पेसिफिक स्किन प्रिक रिएक्टिविटी, उनके चमड़े में, उनके बॉडी में, उनके इम्यूनिटी में कौन कौन सा चीज़ रिएक्ट कर रहा है उसके बेसिस में वो बनाया गया है। अभी ये काम कैसे करता है, अगर चालू भाषा में, अगर बिल्कुल बेयर लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करें, तो जैसे मान लो मैं यहाँ रहता हूँ कलकत्ता में, और मेरा कुछ इस तरह का पड़ गया कि मुझे अंटार्कटिका या नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाके मुझे रहना पड़े, तो मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, वहाँ मैं जी नहीं सकता, क्योंकि वो टेम्परामेंट, वो क्लाइमेट, वो माइनस डिग्री का टेम्परेचर मैं सहन ही नहीं कर पाऊँगा, और मुझे जाना ही है। तो जानने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ से ठंडे जगह में जाके कुछ दिन रहूँगा, कुछ दिन रहने से क्या बॉडी मेरा एक्लामेटाइज होगा उस क्लाइमेट के लिए, उससे फिर फर्दर और ठंडे जगह में जाऊँगा, फिर वापस मेरा बॉडी एक्लामेटाइज होगा। इसको इम्यूनोथेरेपी को डिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं, या बंगला लैंग्वेज में एक्लामेटाइजेशन भी बोलते हैं। एक्लामेटाइज होना, जो जो चीज़ हमारे शरीर को रिएक्ट कर रहा है उन चीज़ को एक्लमेटाइज कर देना, उन चीज़ को मेरे शरीर के साथ बराबर कर देना, मेरा इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देना कि वो बराबर हो जाए। तो और ठंडे जगह में मैं गया, लेकिन तीन चार स्टेजेस में जाने के बाद, कूलर 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 में जाने के बाद, मैं एंटार्कटिका या नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाके मैं भी रह सकता हूँ, लेकिन स्टेज वाइज आगे धीरे धीरे ग्राफिकली बढ़ना होगा। ठीक उसी प्रकार से एलर्जी का परीक्षण करके पहचान करना कि किन किन चीज़ों से एलर्जी कितना परिमाण में हो रहा है, वो जब पहचान हो जाए तो उसके बेसिस में हम लोग वैक्सीन का ऑर्डर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भेजते हैं, और हर आदमी के लिए इंडिविजुअल वैक्सीन बन के आता है, और वो लेने से ग्रेजुअली धीरे 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 बॉडी में इम्यूनिटी बिल्टअप होने से इन सब बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। 100% ठीक नहीं होता है, 100% लोगों में कारगर नहीं है, 70-80% लोगों में ये एफिकेसी आ जाता है, लेकिन 15-20-30% पेशेंट ऐसे भी होते हैं, मैन टू मैन, बॉडी अलग अलग तरह का है, रिएक्टिविटी उसको इम्यूनिटी बिल्टअप नहीं कर पाता है, तो उस केसेस में हम लोगों को रिजल्ट्स
कभी कभार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो दोबारा हम लोग दोबारा से टेस्ट करके दोबारा से इम्यूनोथेरेपी ट्राई करते हैं, उसमें भी 90% पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है। 2-5% पेशेंट ऐसे रह जाते हैं जिनमें हम लोग भी भगवान भरोसे छोड़ना मजबूरी हो जाता है। लेकिन ये जो 70-80% पेशेंट हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी वर्क कर गया, इनके लिए तो रामबाण हो गया, सभी दवाइयों से निजात, जिंदगी स्मूथ और बिल्कुल लाइफ जिंगा लाला। इस तरह का परिचय अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए दाहिने में अपॉइंटमेंट नंबर है, उसमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिचय ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास मौलाली मजार एवं इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हूँ। एलर्जी मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट का हम लोग 2,500 रुपये चार्ज करते हैं। एलर्जी वैक्सीन के लिए 1 साल का कोर्स जो हम लोग ओरल वैक्सीन बनवाते हैं उसको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसका 8,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं। तो आप लोगों को ये परिसेवा अगर ज़रूरत पड़े नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आके अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नारायण पांडे, एलर्जी अदना सेंटर, कोलकाता की ओर से।